वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी दोनों पर निशाना साधा। हाउस का ही विषय था ना, वो तो हाउस की प्रॉपर्टी आज हाउस में ही अगर वो उठाते हैं विपक्ष वाले तो हाउस ही तय करेगा क्या करना है। कौन विशेषाधिकार तो जाएगा ही, जब कल कह दिया स्पीकर साहब ने तो जाना ही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने अधीर रंजन चौधरी पर प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट जी, आज भी हंगामा हुआ और अपोजिशन का कहना है कि जो अधीर रंजन उनके जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको गलत तरीके से क्या गलत है क्या सही है ये तो सदन का निर्णय है, और आप अपने प्रधानमंत्री को खुलेआम गरियाओगे और उनकी तुलना ऐसे लोगों से करोगे कि जिसकी तुलना करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। प्रधानमंत्री देश के सिरमौर होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं, किसी दल के नहीं होते हैं, बच्चे बच्चे के होते हैं देश के, और बच्चे बच्चे के लिए करते भी हैं प्रधानमंत्री, कर भी रहे हैं देश के लिए। देश ने आज एक बहुत बड़ा उन्नति का सोपान चूमा है विश्व में, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आज देखेंगे तो भारत की बहुत बड़ी साख बढ़ी है। वो कांग्रेस को और विपक्ष को पच नहीं रही है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आप लाए, खूब खरी खोटी आपने सुनाई, जो नहीं कहना चाहिए वो भाषा शैली, अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग आपने किया। और आपको बताएं कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब मनोज तिवारी ने अधीर रंजन चौधरी को लेकर के क्या कहा है, पहले ये सुनते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने कल प्रधानमंत्री को सदन में गाली दी, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता सदन को। सदन एक नियम से चलता है, सदन सड़क नहीं है। और जो अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष के नेता के होने के नाते, आपको ये पता होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री पर अगर कोई आरोप लगाना चाहते हैं आप नोटिस दीजिए, आरोप लगाइए, लेकिन अचानक बेसलेस बातें करना, अब शब्दों का प्रयोग करना, ये सदन नहीं बर्दाश्त कर सकता। और सदन ने जो किया वो बिल्कुल उचित किया है। तो इधर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी दोनों से माफी मांगने की बात कही है। उच्च पदस्थ पर सदन के जो नेता हैं उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करना, बार बार करना, चेताने के बाद करना और फिर उसको खेद प्रकट भी ना करना, तो ये ठीक नहीं है। देश की शासन प्रस्ताव के लिए सरकारें आएंगी चले जाएंगी, लेकिन देश का संविधान, देश में मर्यादा, देश में एक दूसरे के प्रति लगाव, मोहब्बत, ये लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन लोकतंत्र में कोई दुश्मनी के कारण, जलसी के कारण अब शब्दों का उपयोग करे तो शोभा नहीं देता नेता प्रतिपक्ष को।